क्लास नर्सरी पिछले साल का क्लास नर्सरी फर्स्ट सक्षम बर्मन सक्षम आए थर्ड जाकिर शाह सेकंड इर्शिद बनवाल Next for class 2, first Shubham Agarwal, second Avinash, third Megha Singh, next for class 3, Shreya Parwal. Second Harshita Goenka. Second Anshu Banwal. Third Sahil Ansari. Sahil. As you like. इसमें please हर बच्चे के लिए ताली मारिएगा और उससे ज्यादा उनके माँ बाप के लिए ताली मारिएगा क्योंकि वो बहुत तैयार करके बच्चे को लाए हैं तो प्लीज गिव राउंड ऑफ अप्लाइज फॉर फर्स्ट किड दैट्स याबर
who's become a Maulana. Left over, Yavar, please. Maulana ji, aaye. Next. Har Har Mahadev. Sri Ram Krishna. Ami Sri Ram Krishna. Allah kali kono bed nai. Ami bolchi joto pot toto pot. Good. Next is Akriti, who is Rani Lakshmi Bai. Please clap. Next is Pratik. जोर से बोलिए जय हिंद. ये भी जय हिंद. नेक्स्ट इज Pradeep Mandal is Chacha Nehru. Okay. 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 Thank you. Thank you, everybody. Please jump. Please keep quiet, please keep quiet. That's it.
These are sir. Thank you. Thank you. Next is Adrija. Good one. Thank you.
India. Sardar Vallabhbhai Patel, right answer, please clap for us. बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे वेरी सीरियस मैटर।
पेपर में पढ़ा था वायलेंस वाले वीडियो गेम खेलने से बच्चे के दिमाग पर बुरा असर पड़ता और बच्चे छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे गड़बड़ी भी हो जाते हैं और पढ़ाई पर भी कम ध्यान देते हैं। और इसका बुरा प्रभाव ये भी होता है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास सही से नहीं हो पाते। सोशल नेटवर्किंग साइट पर अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी मौजूद है, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। वे उन चीजों को भी देख लेते जो उनके ऊपर के लिए बिल्कुल सही नहीं होता। बाबा जी, हम अपने बच्चों को इन बुरी चीजों से कैसे बचाएं? क्यों ना हमें अपनी सोसाइटी में किसी चाइल्ड काउंसलर को बुलाकर बच्चे की काउंसलिंग करवा, बच्चे को टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान के बारे में पता। मुझे पूरा विश्वास है बच्चे उनकी बात समझ जाएंगे। चलो फिर मैं जल्दी अच्छे चाइल्ड काउंसलर का पता करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा ये बात है, तुम लोग बच्चों के बाहर नहीं निकलने पर मोबाइल टीवी लैपटॉप पर बिजी रहने को लेकर बहुत परेशान हो ना? यस सर। अच्छा अब तुम लोग ये बताओ आखिरी बार अपने बच्चों के साथ कब खेले थे? कभी एक दिन में 10 मिनट भी दिया है अपने बच्चों को? क्यों याद नहीं आ रहा है ना? कैसे याद आएगा? कभी अपने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला है? कभी अपने बच्चों को बताया है तुम सब अपने बचपन में कौन कौन से गेम खेलते थे? याद करो अपने बचपन के दिन, जो खेल हम खुले मैदान में सबके साथ खेलते थे आज वही खेल हमारे बच्चे मोबाइल लैपटॉप पर खेलते हैं। गलती सिर्फ बच्चे की नहीं हमारी भी है। अब बच्चा रोने लगा तो टीवी ऑन कर दोगे, कुछ जिद करने लगा तो मोबाइल पकड़ा दोगे ताकि बच्चा तंग न करे। अरे बच्चों के लिए टाइम निकालो, जैसे तुमने ये वीडियो गेम मोबाइल के साथ उनकी पहचान करवाई है बिल्कुल वैसे ही पुराने खेलों के साथ उनकी पहचान कराओ, फिर देखो बच्चे बाहर कैसे नहीं निकलते। मेरे ख्याल से सर ने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सर, हमारी जिम्मेदारियाँ याद दिलाने के लिए। हम अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि बच्चों की तरह हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। अब हम वैसा ही करेंगे जैसे आपने कहा है। हाँ बिल्कुल ठीक। अब समझ में आया बच्चों को समझने के लिए हमें भी बच्चा बनना पड़ेगा। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए किए थे। अपना मैसेज फाइनली हमारा मकसद पूरा हुआ।
हो गई तैयारी, फंक्शन स्टार्ट करो। चलो देखते हैं। जब साइलेंस मोड से हॉर्न बजाते हो तो लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, कभी इसके बारे में सोचा है? नमस्ते, मैं ट्रैफिक पुलिस गर्मी में ठंडी में रास्ते पर खड़ा होकर लोगों को सही राह दिखाता हूँ। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। मेरा अनुभव कैसा है, अगर जिंदगी की ड्राइविंग हम सही डिसीजन के साथ करें तो कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरी आपसे विनती है, ड्राइविंग समर्पण करें। थैंक यू। अरे पहले के जो बंदर थे वो तो इंसान बन गए, लेकिन अब के बंदर सब इंसान बनेंगे। अरे इंसानो इतना क्यों हंसते हो, पहले तो हम लोग बंदर ही थे। बंदर का तो नेचर ही होता है गुलाटी मारना, पर इंसान तो कभी भी गुलाटी मार सकता है। मदारी तो पैसे के लिए नचाता है, पर इंसान तो खुद पैसे के लिए नाचता है। हजारों साल में बंदर और इंसान के बीच में एक चीज का ही अंतर है, वो है पूंछ। आप सबसे हमारी एक विनती है, जो गलती हम लोग ने की है ये गलती आप लोग ना करें। आप लोग अपना कीमती समय लैपटॉप टीवी में बर्बाद ना करते हुए अपने बच्चों को दें। यस, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज अपना समय बर्बाद फोन मोबाइल में बर्बाद ना करें, बच्चों को दें और उन्हें सही गलत का पहचान। मैं भी यही चाहती हूँ जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए किए थे, लोग भी वैसा ही करिए। थैंक यू। Next is a poem, Mummy Daddy by Yuvraj Ayush. I love you, Mummy and Daddy, I love you, thank you. Mummy Daddy, I love you. 12 देश हमारा है, हर देशों के न्यारा है, सिर उठाए खड़ा हिमालय करता है, इसकी रखवाली है, गंगा यमुना की धाराएं बहलाती हरियाली है। धन्यवाद। खेलने वाली दूर से होती है,
चाचा चाया तूने बागे गोबर चाया तूने करम हमारा भी कल्याण तेरे बालक मादा तूने सूरज चांद बनाया अंदर में तारे बिखराया नदियां सागर शेर बनाए मन में राखो पेड़ उगाए जो हमको भी विद्या का दान तेरे बालक मादा थैंक यू Rajdeep
Thank you.
becoming too much naughty nowadays. Sit silently. No, Papa, nothing. Oh, oh. Yeah. My boy is becoming too much naughty. I have to do something for him. Yes, I know a good person. He will must teach my son a good lesson of life. Yes, I must go to Jagir. Jagir. Yes, Papa. Come with me. Yes, please. What can I do for you? Sir, I come to you with a message. This is my son, Jackie. He is very naughty. He don't ever listen to anyone's word. I am very much afraid about his future. So I came to you to teach him the value of life. Sir, make my son a good teacher. Okay, okay. I will try. Thank you, sir. Jackie, there is my garden. Go and put up a tiny plant growing there. Dad, see, I got it. Okay, very good. Sir, I cannot willing to pull this tree. So, Zaki, my son, it is with bad habits. When they are young, it is easy to pull them out. But when they take hold, they cannot be approved. So, my son, don't wait for bad habits to join you. Trust them while you have control over them. They will get control of you. A sweet time keeps us fine. Okay, sir, I will do it. Thank you.